महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और परेशानी, रिंग रोड के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। कार जीप का टोल टैक्स 45 से 50 रुपए, वैगन कोस्टर का टोल टैक्स 90 से 100 रुपए कर दिया गया। बस के टोल टैक्स में 20 रुपए इजाफा, 250 रुपए हो गया। लोडर ट्रक डंपर पिकअप से 300 रुपए वसूल किए जाएंगे। टोल टैक्स बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, ट्रांसपोर्टर्स ने गुलशन राफी टोल प्लाजा पर बसें खड़ी कर दी। टोल प्लाजा इंतजामिया ड्राइवर्स के माबेन मुजाकरात, आज के लिए टोल टैक्स में इजाफा वापस, कल से नए रेट लागू होंगे। एहतजाज के बाद डबल सड़कों से सगियां जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 से ज्यादा जख्मी, 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकराई, गाड़ियों में फंसे अफराद को गाड़ियां काट कर निकाला गया। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बाबू साबू से ठोकर के जाने मोटरवे दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में ट्रैफिक जैम क्यों रहती है, हुकूमत ने स्टडी कराने का फैसला कर लिया। शहर के तमाम चौराहों में ट्रैफिक की बेहतर रवानी के लिए स्टडी कराई जाएगी। महकमा खजाना ने मंसूबे के लिए 10 मिलियन रुपए जारी कर दिए। ट्रैफिक जैम की स्टडी के लिए फंड्स पुलिस को मुंतकिल, स्टडी में ट्रैफिक जैम का हल भी तजवीज किया जाएगा। हुकूमत का नई सड़कों का जाल बिछाने का प्लान, महकमा खजाना पंजाब ने 4 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। नई सड़कें लाहौर और मजाफात में बनाई जाएंगी, पुरानी सड़कों की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। रकम महकमा CNW के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा, मंसूबे के लिए 2 अरब 80 करोड़ का बजट, सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होगा। महकमा खजाना ने मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत खालिद बट चौक पर अंडरपास, घोड़ा चौक कैविलरी पर यकतरफा फ्लाईओवर की तामीर होगी। गुलबर्ग से डिफेंस तक सिग्नल फ्री, डिफेंस मोड और वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग की जाएगी। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की 62 मरला अराजी के नए रेट्स का तायुन हो गया। अराजी मुतासरीन को 10 करोड़ इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। कमर्शियल अराजी का रेट 4,60,000, रिहायशी अराजी का रेट 2,50,000 मुतय्यन। 58,39,44,605 रुपए अदा किए जाएंगे। नजर सानी शुदा मुजवजा तखमीना मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर को इरसाल। शाहकाम चौक की तौसी और फ्लाईओवर बनाने का मामला, एक्वायर अराजी का मुआवजा मार्केट वैल्यू पर ना देने के खिलाफ केस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ हाई कोर्ट पेश हुए, बताएं कब अवार्ड की मंजूरी देंगे। जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तफसार, आज ही अवार्ड कर देता हूँ। बाबर हयात तारड़ का जवाब, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जनवरी तक मोहलत देने की इस्तदा, अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। 3 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब, मजीद अराजी एक्वायर करने से रोकने के हुक्म में ताहुक्मिसानी तौसी बरकरार।